भी बातचीत हुई, 3 तलाक बिल पास होने पर बहुत ही प्रसन्न थी। कल बातचीत हुई कि वो जो राज्यसभा से 370 के अबॉलिश होने का बिल पास हुआ, इस पर खुश थी। आज लोकसभा पारित होने के बाद घर पहुंचता हूं तो उनका ट्वीट देखता हूं प्रधानमंत्री के नाम के, और एक फ्लैश दिखाते हैं, वो नहीं रहे। इसमें क्या जवाब है? ये अगर नियति है तो बहुत ही क्रूर नियति है। और मैंने पिछले देखा कि जो भी विदेश में फंसा, हमने लेटर लिखा, बात की, तुरंत वहाँ से उनको ले करके आए। तो जिस क्षेत्र में वो काम करती थी वो बहुत बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाती थी और हम लोगों को शिक्षा भी देती थी। सुषमा जी का और मेरा एक माँ बेटी का जैसा संबंध था, 2014 से 19 तक साथ में काम करने का अवसर मिला, उनसे सीखने का अवसर मिला। 2019 में शपथ लेने के पहले और शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति भवन के पास, उसके बाद से मुझे लगा कि मैं पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी तब मिलूंगी जाकर, लेकिन यह क्या पता था कि इस स्थिति में मिलना हो। उन्होंने सेट करके गया सबके लिए। आई थिंक दैट कंपैशन एंड एक काइंडनेस एक सबके लिए दीदी, हाई लेवल ऑफ नॉलेज, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, फैंटास्टिक ओरेटर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि पॉलिटिशियंस के साथ लोग, आम जनता की पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन सुषमा जी जैसे ऐसे चंद पॉलिटिशियंस होते जो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, इंडिया की बेटी, स्टेट्समैन के तौर पे लोगों के दिल में जगह बना रही थी। जो बार उन्होंने सेट किया फॉरेन मिनिस्ट्री में, एक्सटर्नल अफेयर्स में, भले बीच रात में कोई पाकिस्तानी ट्रीटमेंट के लिए वीज़ा मांगे, या कोई इंडियन बाहर स्ट्रैंडेड हो, या कोई फॉरेनर इंडियन इंडिया में स्ट्रैंडेड हो, हमेशा ट्वीट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए रीच आउट करना और इफ़ेक्टिवली सॉल्यूशंस निकाल के देना, अलग उन्होंने एक पैरामीटर, अलग एक बार उन्होंने सेट किया। एंड 3 घंटा पहले उनका ट्वीट आता है दैट शी वॉज लिविंग फॉर दिस मोमेंट, एंड उसके 2-3 घंटे में उनका देहांत हो जाता है। आई थिंक इट्स शॉकिंग, हार्ट ब्रेकिंग, और What should I say? It's eerie. It's actually कोई इसके लिए prepared नहीं था। It stunned silence in everyone's heart. सुषमा जी की, मैं मुझे आज भी याद है, मैं दूसरी बार जब सांसद बनकर आया तो नेता प्रतिपक्ष थे, और अधिकतर कई बार होता है कि अचानक कोई बिल आ गया, उस पर तैयारी नहीं तो क्या करना है, पकड़ के कहती थी तुम्हें बोल। मैं कहता दीदी 2 घंटे में कैसे तैयारी कर पाएगी, तुम मेरी बाल सेना हो ना, तुम्हें करना है। तो अपनापन था जो आपको प्रेरित करता था, मनोबल बढ़ाता था, आज उनकी बहुत बड़ी कमी का। एक नेता के तौर पर, मृदुभाषी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपनी दीदी कह के बुलाते थे और दीदी सबको स्नेह देती थी। ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए। चाहे भारत के पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखने का प्रश्न हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में रखने का प्रश्न हो, भारत के एक कुशल विदेश मंत्री के तौर पे हमेशा सुषमा जी को याद किया जाता रहेगा। एक संघर्षशील आपातकाल की नेता से लेकर देश की राजनीति में सर्वोच्च स्थान बनाने में शामिल रही ऐसी नेता सुषमा स्वराज जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं।